नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं अनिल रानाकोटी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल अनिल रानाकोटी में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जैसी इमेज हम अपने माइंड में अपने प्रति बनाते हैं वैसे ही हम लाइफ में बन जाते हैं। हमारा सेल्फ इस्टीम, हमारी इमेज इस बात पर डिपेंड करती है कि हमें लाइफ में कहाँ जाना। अगर हम वो फ्रेम अपना माइंड में बना पाते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर वो फ्रेम प्रॉपर तरीके से हमारे माइंड में नहीं बन रहा है तो हम वहाँ कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। भले ही हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी हार्ड वर्क कर ले, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों कभी कभी ये इमेज हम अपने माइंड के अलावा दूसरे के माइंड में भी क्रिएट करते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो मैं देना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे होंगे वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे। जब तक हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तब तक बहुत बढ़िया है, जब तक हम उसको प्लान दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया है, वो हमारी बात को प्रॉपर तरीके से सुनता है, समझता है और अंडरस्टैंड करता है, रिलेट करता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि हम वेस्टिज कर रहे हैं, हम एमवे कर रहे हैं या हम कोई ऐसी एमएलएम कंपनी कर रहे हैं, तो उसका जो इमेज अपने अंदर हमारे प्रति बनी है, डायरेक्ट सेलर के प्रति बनी है, एमएलएम वाले के प्रति बनी है, वो इमेज उसकी एक्टिवेट हो जाती है और वो उस इमेज से हमें देखना शुरू कर देता है। और कभी कभी वो सोचता है कि यार ये मुझे एमवे का प्लान दिखा रहे हैं, एमवे का प्लान तो मुझे उसने भी दिखाया था। अब उसको याद आने लग जाता है अपना बुआ का लड़का, अपना मौसी का लड़का, अपने रिश्तेदार जिनके साथ वो सोचता है कि यार उसने मुझे बताया था, मैं उससे एक बार पूछ लेता हूँ कि ये बिजनेस काम करेगा नहीं करेगा। और उसकी साइकोलॉजी बन जाती है कि पहले इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उन लोगों से ले जिन लोगों ने इसको पहले किया हुआ। रियली में होता भी है सर, होना भी ऐसा चाहिए। जिस बंदे को उसका एक्सपीरियंस है उससे पूछेगा तो उसको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ आ जाती है कि वो उन लोगों से पूछता है जो लोग इसमें फेल हो चुके। अब जो फेलियर आदमी से पूछेगा तो क्या जवाब देगा, यही देगा। तो दोस्तों आजकल आप देखते होंगे कि आप ऑनलाइन व्हाट्सअप पे अपनी कंपनी का नाम लिख के पूरा भेज देते हैं, लेकिन क्या होता है व्हाट्सअप पे दूसरा बंदा अपना प्लान भेज रहा है, आप अपना भेज रहे हो वो अपना भेज रहा है, इसी तरह से क्या हो रहा है एक दूसरे के प्लान पे चल रहा है, हमें व्हाट्सअप पे भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अब बात आती है कि अब हमें क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने अंदर के जो सेल्फ डाउट है वो दूर करने हैं और अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, अपनी एक इमेज बनानी है। लोग बिजनेस से ज्वाइन ना करें, लोग हमसे ज्वाइन करें। कल अगर हम दूसरा बिजनेस भी ज्वाइन कर ले तो हमारी टीम ना टूटे। दोस्तों आज की डेट में एमएलएम कंपनियां बदलती रहती हैं, कई कंपनियां बंद हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी टीम आपसे रिलेटेड है तो आप चार कंपनियां ज्वाइन कीजिए, आपके साथ आपकी टीम चार कंपनियां ज्वाइन करेंगी। अगर आपकी टीम आपसे टच नहीं है और कंपनी की वजह से आपसे ज्वाइन है तो जैसे ही वो कंपनी बंद होगी आपकी पूरी टीम बिखर जाएगी, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, आप उनके प्रति लॉयल फील नहीं करेंगे और वो टीम किसी और के साथ ज्वाइन कर जाएगी। दोस्तों अगर आज की डेट में आप एमएलएम में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप अपनी टीम को अपने साथ ज्वाइन कराइए, न कि किसी कंपनी के साथ। दोस्तों अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में एमएलएम में अपना कैरियर देखना है तो हमें अपने खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा, ना कि हमें कंपनी की वजह से अपनी इमेज को प्रमोट करना होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं सोनू शर्मा। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि सोनू शर्मा जी पहले किस कंपनी में काम करते थे और बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता है कि वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं। अधिकांश लोग उन्हें एक मोटिवेटेड स्पीकर ही समझते हैं। जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो कल भी उनके साथ जुड़े हुए थे और आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। कल वो अगर कोई और कंपनी भी ज्वाइन कर लेते हैं तो वही टीम उनकी वो कंपनी भी ज्वाइन कर लेगी जिस कंपनी में वो जाएंगे। ऐसा ही हर्षवर्धन जैन जी को भी आप जानते होंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता कि वो कौन सी कंपनी प्रमोट करते हैं, उनको लोग एक मोटिवेटेड स्पीकर के ही तौर पे जानते हैं। तो हमें खुद अपना एक ब्रांड बनना पड़ेगा ताकि लोग हमसे जुड़ें, ना कि हमारी वजह से किसी कंपनी के साथ ज्वाइन करें। अगर दोस्तों हमने अपनी इमेज को ब्रांड किया है तो हमारी टीम हमसे ज्वाइन रहेगी, वो हमसे सीखती रहेगी, हम अपनी टीम को सिखाते रहेंगे और अपनी टीम से हम इनकम करते रहेंगे। दोस्तों अगर आप भी एमएलएम बिजनेस में बहुत बड़ी इनकम करना चाहते हैं, अपनी टीम को अपने साथ रखना चाहते हैं तो अपने खुद का ब्रांड बनाइए और यही टीम को सिखाइए। इसी आशा के साथ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए अनिल के साथ। कीप वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग फ्रेंड।